वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 का 8वां मैच हमें देखने को मिला तमिल थलाईवास वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच, और इस वीडियो में हम इसी मैच का रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन बता देता हूं। तो तमिल थलाईवास की स्टार्टिंग सेवन आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये मैच यार इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते इसको। इस मैच में शुरू से लेकर अंत तक बेंगलुरु ने लीड की, और पवन ने इतना ज़्यादा अच्छा खेला कि इस मैच में लगा ही नहीं कि बेंगलुरु बुल्स कभी हारने वाली है। वो हमेशा लीड करती रही, और हाफ टाइम स्कोर था तमिल थलाईवास 12 और बेंगलुरु बुल्स 28। और उसके बाद थोड़ी सी वापसी जरूर की तमिल थलाईवास ने, पर फिर इस मैच को बेंगलुरु बुल्स ने जीता। फुल टाइम स्कोर था तमिल थलाईवास 37 और बेंगलुरु बुल्स 48। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो तमिल थलाईवास के बेस्ट डिफेंडर थे मंजीत चिलर, जिन्होंने 2 टैकल पॉइंट्स लिए। बेस्ट रेडर थे अजय ठाकुर, जिन्होंने 19 रेड पॉइंट्स लिए। वहीं पर बेंगलुरु बुल्स के बेस्ट डिफेंडर थे आशीष सांगवान, जिन्होंने 7 टैकल पॉइंट्स लिए। और बेस्ट रेडर थे पवन सेरावत, जिन्होंने 20 रेड पॉइंट्स लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के हेड टू हेड रिजल्ट के ऊपर। तो रेड पॉइंट्स के मामले में तमिल थलाईवास ने लिए 13 रेड पॉइंट्स और बेंगलुरु बुल्स ने 31। टैकल पॉइंट्स के मामले में तमिल थलाईवास ने 5 और बेंगलुरु बुल्स ने 12। और ऑल आउट बेंगलुरु बुल्स ने 2 बार किया तमिल थलाईवास को, और तमिल थलाईवास ने 1 बार ऑल आउट किया बेंगलुरु बुल्स को, और एक्स्ट्रा पॉइंट में 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिला बेंगलुरु बुल्स को। तो अगर आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट देखना है तो आप देख सकते हो हॉटस्टार से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हॉटस्टार का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर क्लिक करो, प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो और पूरा का पूरा हाईलाइट देख लो। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।